So, hi everyone, welcome back to my channel again. I'm your friend Harjot and today I'm here with our new video. So let's get started. So आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ. जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो थी मेरे मेकअप कलेक्शन की, और इस टाइम मेरी कलेक्शन की सीरीज चल रही है. वन बाय वन मैं आपके साथ अपनी कलेक्शन है जो उसको शेयर कर रही हूँ आफ्टर मेकअप. अब मैं आपके साथ अपने सूट्स की कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ. ये है सूट्स की कलेक्शन के बारे में बात. और सूट्स में मैं आपके साथ अपने सारे सूट्स शेयर करूंगी, बट वन बाय वन. ये भी फर्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें मैं अपना थोड़े से हैवी पार्टी लुक वाले सूट है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. और भी सूट है मेरे पास, वो थोड़े से लाइट है, सो मैं वो डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ. बट ये है ओकेजनली बेसिस पर, अगर कोई फंक्शन आता है, पार्टी आती है, उस टाइम मैं इसको वेयर करती हूँ ओनली. इनके वेट के कारण मैं इसे डेली वेयर नहीं कर सकती, बिकॉज उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कंफर्टेबल नहीं होते घर पर पहनने के लिए. तो सूट्स आई थिंक एवरी गर्ल को, जैसे कि कपड़ों का शौक होता है, मेकअप का शौक होता है, उस तरह सूट का भी शौक होता है. मेरे को अपना पता है, बट मेरे को वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत कम पसंद है. एज़ कम्पेयर टू मेरे को सूट्स पंजाबी लुक बहुत अच्छी लगती है, कि मेरे सूट डाले उसके साथ पंजाबी जूती मैचिंग डाली हो, आई लव इट. मेरे को ये लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए मैं सूट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. और सूट्स भी मैं प्लाजो शरारा थोड़ा कम डालती हूँ, उसकी वजह से मैं उस ज़्यादा डालती हूँ अपने सलवार सूट. सो मेरे को पंजाबी पटियाला लुक वाले सूट बहुत अच्छे लगते हैं. तो यही मेरे पास इस टाइम जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कलेक्शन, ये पंजाबी सूट्स की ही कलेक्शन है, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे कुछ सूट है मैंने जो स्पेशली ऑन डिमांड पर बनवाया था. मीन्स जो स्पेशली मैंने कंट्रास्ट करके दुपट्टे अलग लिए थे और सूट्स अलग लिए थे. कुछ ऐसे सूट्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रेडीमेड पहले से ही, मतलब दुपट्टा और सूट्स पहले से मैचिंग होता है वो भी है. बट कुछ मैंने अपनी मैचिंग से भी उन्हें करवाया है, उनका कंट्रास्ट बनवाया है. सो सूट्स का जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को शौक बहुत ज़्यादा है और सभी को पंजाबी जूती का भी बहुत ज़्यादा शौक है. सो चलिए बिना देरी करते आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट सूट जो मैंने आपको बताया था. फर्स्ट सूट है मेरा पिंक कलर का है, और ये बेबी पिंक शेड है, लाइट है. कैमरा में इस टाइम इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वैसे ही ये पिंक कलर है, बिल्कुल बेबी पिंक कलर है. यहाँ पर थोड़ा सा अलग शेड आ रहा है, बिकॉज रिफ्लेक्शन की वजह से कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है कैमरे की वजह से. और ये देख सकते हो आप, पिंक कलर का ये सूट है, और उसकी स्लीव्स है जो मैंने रखी हुई हैं, हाफ स्लीव्स रखी हुई हैं. मैं स्लीव्स के बिना सूट पहली बार वेयर नहीं करती, मेरी सारी सूट पर जो स्लीव्स लगी होती हैं. और इसका जो नेक है मैंने सिंपल गोल बनवाया था. और ये मैं बता दूँ, ये सूट मैंने खुद कंट्रास्ट करके बनवाया, स्पेशली अपनी मर्जी से. अब मैंने अलग से दुपट्टा लिया और अलग से सूट का कपड़ा लिया. सो ये पिंक कलर का सूट सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है इसके, और नीचे भी इसके कुछ नहीं है ऐसे, इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे से मैंने इसे बनाया. और इस पर जो क्रॉसिंग वर्क है आप देख सकते हो, सीपी वर्क है, और इस तरह से क्रॉसिंग इस पर की हुई है, स्क्वायर्स हैं क्रॉस के, और बीच में सीपी वर्क हुआ हुआ है. सो इसकी वजह से थोड़ा शाइन करता है सीपी की वजह से. और इसका इसकी जो बॉटम है वो बिल्कुल प्लेन पिंक कलर है, मैं वो भी आपको शो करती हूँ. सो ये पिंक कलर की इसके साथ बॉटम है बिल्कुल प्लेन, शर्ट पे जस्ट ये वर्क है, और बॉटम इसकी बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हो प्लेन कलर की बॉटम है. और इसका दुपट्टा है जो वो फिरोजी कलर का है. सो गाइज, ये है इसका दुपट्टा, पिंक के साथ फिरोजी कलर का दुपट्टा है. दुपट्टे पे चारों तरफ है जो लेस लगी है गोल्डन कलर की, और प्लस यहाँ पर है जो फ्लावर वर्क दिया हुआ है साइड पे, और बीच में है जो बीट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, पूरे दुपट्टे पे इस तरह से बीट्स लगे हुए हैं. और दुपट्टा फुल हैवी है, और इसके नीचे ये लटकन भी लगे हुए हैं चारों ओर, और ऐसे बीच में फ्लावर्स भी हैं दुपट्टे के, देखिए इस तरह से आपको फ्लावर भी मिलेंगे. सो ये मैंने स्पेशली, मैं आपको बता दूं, मैंने ये दुपट्टा था जो पटियाला से लिया था अलग से, और इसके साथ जो सूट की मैचिंग थी वो अलग करवाई थी. तो ये मेरा फर्स्ट सूट है. सो गाइस, ये है मेरा सेकंड सूट. ये आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ अपने सूट का, इस तरह से कुछ है. और इसका कलर है जो वो है ग्रीन कलर का. सो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड सूट जिसका कलर मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर है. कैमरे की वजह से ये भी कलर और रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट कलर इसका डार्क ग्रीन है. और इस तरह से कुछ इसके वर्क दिया हुआ है, नेक पर इसका वर्क था जो पिंक कलर में इसके फ्लावर दिए हैं, और साइड वर्क भी है इसके. ये इसका नेक है, और इसकी बाजू पर भी है जो ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर भी सेम इस तरह से वर्क दिया हुआ है, कट वर्क है इसकी स्लीव्स, आप देख सकते हो कट वर्क दिया हुआ है, और इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं. और ये इसका नेक, नेक के जो बैक वाली नेक है वहाँ पर इसके लगे हुए हैं लटकन, इस तरह से कुछ इसके लगी हैं डोरी से बांधने के लिए बैक पर, ताकि इनकेस कई बार होता है कि गला हैवी सूट की वजह से गला जो पीछे का ब्रॉड हो जाता है, उसकी वजह से ये लगे हुए हैं यहाँ पे लटकन लगे हुए हैं गोल्डन कलर के. और इसकी बैक है, और ये नीचे से कुछ इस तरह से हैवी वर्क दिया हुआ है फुल,
तो ये नीचे का इसका है और वो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर गले पे इस तरह से फुल है, पूरे सूट पर बीट्स लगे हुए हैं और नीचे से जो है कट वर्क है इस सूट का, ऐसे सेम ये नीचे इसके बॉर्डर जो है कट वर्क से ही से बनाया गया है। सो इस तरह से ये है इसका, आई थिंक ये जॉर्जेट में है, जॉर्जेट जो कपड़ा होता है उस पर ये किया हुआ है सारा वर्क। और इसकी जो बॉटम है वो भी मैं आपको शो करती हूँ, दिस वन इज बॉटम। बॉटम इसकी प्लेन कलर की है ग्रीन कलर में, और जो कि बहुत ही हैवी मैंने बॉटम इसकी स्टिच करवाई थी, बहुत ही हैवी है सूट के साथ, बहुत अच्छी इसकी है जो लुक आती है। और इसकी जो दुपट्टा है, ये वाला इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी सेम कलर का है और दुपट्टे पर भी फोर साइड ऐसे कट वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हो फोर साइड कट वर्क है इसके दुपट्टे के भी ऐसी सेम, और ये देखिए कट वर्क है और बीच में दुपट्टे के सेम फ्लावर्स दिए गए हैं कहीं कहीं पर। सो ऐसी दुपट्टा इसका फुल हैवी दुपट्टा है। ये है मेरा थर्ड सूट, इसकी लुक कुछ ऐसी है, कुछ आप देख सकते हो ये पीच कलर में है, बट इस टाइम फोन की वजह से इसका कलर इसका भी चेंज हो चुका है। इस सूट पर भी वर्क दिया है, पूरे सूट पर वर्क है, ये जो है नलकियों से इसे वर्क किया गया है, ये नलकियों से इसकी जो है जा रही है क्रॉस लाइन जा रही है जो, और बीच में जो छोटे छोटे बीट्स दिए गए हैं। और इसकी स्लीव सिंपल है और स्लीव्स पर जस्ट ये वाली एक इस तरह की कुछ शाइनिंग लेस दी हुई है, ये इसकी स्लीव्स हैं। और जो इसका नीचे से बॉटम इसकी कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, बॉटम डिजाइन है इसका जो, ये इस तरह से हमें यहाँ पर बीट्स वर्क दिए हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे मोती हैं और प्लस क्रॉस लेस लगी हुई है, और यहाँ पे फिर जो बाजू पर लेस थी वो यहाँ पर है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ वर्क दिया गया आप देख सकते हैं ध्यान से, और ऊपर ऐसे ही सेम जो है नलकियों से वर्क किया गया है। काफ़ी अच्छी लुक आती है जब इसको आप किसी फंक्शन या पार्टी पर वेयर करते हो। ये रिसेंटली मैंने अभी इसी करवा चौथ पर इसे वेयर किया था। इसका कलर लाइट सा मैंने इस जानबूझ के लिए किया, क्योंकि लाइट पे आपका जो जब आप इसके साथ डार्क कलर का कुछ भी कंट्रास्ट करते हो बड़ा अच्छा लगता है, मेकअप हो चाहे वो ज्वेलरी हो डार्क कलर की, इसे लाइट से डार्क कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। और इसका दुपट्टा, सो यहाँ पर इसका है दुपट्टा, दुपट्टे में जैसे आपको दिख रहा है कि फोर साइडेड लेस लगी हुई है, फोर साइडेड क्रॉस लेस लगी हुई है इस तरह से, ये चारों तरफ दुपट्टे के मिलेगी, और प्लस ये वाली लेस जो दुपट्टे और सूट के बाजू पर लगी थी वही लगी है, चारों तरफ इस तरह से कुछ इसका दुपट्टा है। और ये बीच में इसके भी बीट्स लगे हुए हैं फुल चुन्नी पे, इसके जो बीट्स लगे हुए हैं दुपट्टे पे, और इस तरह से कुछ है लुक वाइज दुपट्टा इसका। ये है मेरा फिफ्थ सूट, इस तरह से कुछ इसका ओवरव्यू है, ये इसके साथ दुपट्टा है और ये फुल से सूट है मेरा। मैं आपको बता दूं ये मेरा सबसे ज़्यादा हैवी सूट है, इसको वेयर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका वेट ही इतना ज़्यादा है, इसके दुपट्टे का वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्लस इसकी जो शर्ट का वेट है उसका भी बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। फिर कुल मिलाकर इसका जब हम इसको किसी ओकेजन पर पहनते हैं तो इसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है इसकी वेट की वजह से, बट मेरा फेवरेट सूट है फिर भी। ये इसका कलर है जो पीकॉक कलर है, इस टाइम कैमरे में इसका कलर थोड़ा सा चेंज है बट कलर एक्चुअल में इसका पीकॉक कलर है, और चलिए इसको मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो इस तरह का ये मेरा सूट है, इसके जो इसका जो नेक है इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, ये इस तरह से फुल वर्क है इसका देख सकते हो आप। इसमें आपको जो है थ्रेड वर्क भी मिल जाएगा, थ्रेड वर्क के साथ साथ इसमें यहाँ पर स्टोन वर्क भी है, प्लस यहाँ पर है जो ये बीट वर्क भी है, सो मिक्स वर्क है इसका सारा। और इसी वजह से इसका जो वेट है जो काफ़ी मेरे को हैवी लगता है। सो नेक इस तरह से है कुछ, इसकी जो बाजू है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है, और इसकी जो बैक पर सेम लटकन लगे हुए हैं, डोरी लगी है, बिकॉज इसका वेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है इसे वियर करने में, सो ये डोरी लगी हुई है ताकि मैं इसको सेट कर पाऊँ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और आप यही इस पूरे सूट पे इस तरह से आपको फ्लावर दिए गए हैं, प्लस जो इसके नीचे जो बॉटम है सूट के बॉटम पर है इस तरह की कुछ लेस दी गई है, और लेस के साथ गोल्डन लेस भी दी गई है, और सेम वर्क ही यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है। सो जिस वजह से इसका वेट हैवी मुझे लगता है, इसकी एम्ब्रॉयड की वजह से इसका वेट मुझे काफ़ी हैवी लगता है। बात करते हैं इसकी बॉटम की, तो ये इसकी बॉटम है जो प्लेन है इसमें, और क्योंकि सूट के साथ मेरी मोस्टली प्लेन बॉटम्स हैं, एम्ब्रॉयड वाली भी है बट वो कम है, बट प्लेन बॉटम्स ज़्यादा हैं, तो इसकी बॉटम जिसके साथ है वो प्लेन है। सो बात करते हैं दुपट्टे की, इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है, वो दुपट्टे पे फुल बीट वर्क दिया हुआ है, पूरे दुपट्टे पर आपको वर्क मिलेगा इस तरह से, और प्लस साइडेड इसकी इस तरह से लेस लगी हुई है, और इस तरह से इसकी आपको देख चारों दुपट्टों पर इसकी फोर साइडेड दुपट्टा है, और फोरों पर चारों पर इस तरह से कुछ दिया है, फोर
साइडेड है दुपट्टा और इस तरह से ये हैवी वर्क इसको देता है। ये देखिए आप फोर तरफ चारों तरफ से इस तरह से इसका दुपट्टा किया गया डिज़ाइन। और ये है मेरा सूट नंबर कौन सा है जो भी है आप देख लेना, ये है लास्ट सूट इस टाइम ये जो मैं शूट कर रही हूँ। सो ये है सी ग्रीन कलर का और इस तरह से कुछ इस पर वर्क दिया हुआ है और इस तरह से इसकी बॉटम पे है। ये सूट की जो ये सूट जो हैवी है ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क पर ये इसको बनाया गया। जो पहले मैंने आपको दिखाया था, एक मैंने आपको दिखाया था जॉर्जेट का और एक दिखाया था आपको मैंने चिनॉन का, जो पीच कलर का था वो चिनॉन का था। और ये है जो ये सिल्क पर है, इसकी एम्ब्रॉयडरी सिल्क पर दी है। सिल्क की वजह से इसमें जो है काफ़ी ये बल पड़ जाते हैं और इसको प्रेस करके रखना पड़ता है। सो जब मैंने इसको वेयर करना होता है उस टाइम मैं इसको मैं प्रेस करती हूँ, अदरवाइज मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये सिल्क का सूट है और इस तरह से इसकी कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई है नीचे, आप देख सकते हो। इसका वर्क बहुत ही ज़्यादा प्यारा है जिस वजह से मुझे पसंद आया था। लाइट सा कलर है सूट का और लाइट सी इस पर जो है पर्ल वर्क दिया हुआ है, फुल सूट पर नीचे इस तरह से वर्क दिया हुआ है जिस वजह से मुझे इसे परचेज करना ही पड़ा। सो इस तरह से इसका वर्क है और इस तरह से बीट वर्क भी है और इसमें मोतियों से वर्क किया गया है फुल सूट पर, आप देख सकते हो। इसी की वजह से ये है हैवी बनता है सूट। और मैं नेक की बात करती हूँ तो नेक पर इसका ऐसे नेक बनाया हुआ है, पान पत्ता जिसे बोलते हैं वो डिज़ाइन है। और नेक पर आपको ये तीन है जो स्टोन वाले आपको मिल जाते हैं इस तरह से, बहुत ही प्यारे ये मुझे लगे हैं। ये मैंने बाद में लगवाए हैं, अपने खुद से लगवाए हैं बिकॉज इसके जो बीड्स है वो मैच हो रहे हैं इसके बॉटम से, क्योंकि इस पर भी इस तरह से डिज़ाइन है। सो मैंने इनको चूज़ किया था और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं इनकी शाइनिंग। ये तीन मैंने लगवाए थे यहाँ पर बटन के। इसकी जो बॉटम है वो प्लेन इसी कलर में है, सिल्क में प्लेन बॉटम है इसकी। और इसके दुपट्टा जो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये देखिए इसका दुपट्टा इतना प्यारा है इसका, मैं क्या बोलूँ, बनारसी दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। दुपट्टे की वजह से ही मुझे इसे बाय करना पड़ा और एक इसके कलर की वजह से। दुपट्टे पे प्योर बनारसी दुपट्टा है इसका, आपको मैं हाथ लगा रही आपको पता लग रहा होगा कैसे इसका शेड शिमर शेड चेंज हो रहा है। देखिए इस तरह से इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पर साइडेड पर ऐसे दिया हुआ है और ये चारों लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की, दूसरी साइड भी ये देखिए आप लेस लगी है। और बीच में से जो इसका वर्क है वो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ये इसका मिड वाला वर्क है और ये साइड वाला वर्क है। सो इस तरह से इसका बनारसी दुपट्टा स्पेशली है जो बनाया गया है। दुपट्टा इसको बहुत ही ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा है, जब इसको आप वेयर करते हो इस दुपट्टे से इसको बहुत ज़्यादा रेयर रॉयल लुक आती है इसकी सूट की। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।